हे गाइस, क्या चल रहा है? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में जो हर घर में होना चाहिए, ओडोनिल एग्जॉटिक ऑटोमेटिक स्प्रे। तो ये काफ़ी अच्छा है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे और इसका फ्रेग्रेंस देखेंगे कैसा है और ये कितने प्राइस में मिलता है, आपको ये लेना चाहिए या नहीं, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगी, ये वर्थ इट है लेना या नहीं है लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पैकेजिंग आप लोग देखोगे तो पैकेजिंग काफ़ी सिंपल सा आता है, फ्रंट साइड में इसका पिक्चर दिया हुआ है और राइट साइड लेफ्ट साइड में प्रिकॉशन दिया हुआ है, सेफ्टी डायरेक्शन दिया हुआ है, बैटरी यूजेस ये सब वगैरह दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है, बैक साइड में आपको प्राइस दिया हुआ है कितने का मिलता है, कितने का है आप लोग देख सकते हो। और इसका प्राइस 599 रुपीज़ है। ये इसका प्रिंट है बट आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जाके चेकआउट करोगे तो वहाँ पे सस्ता मिलेगा, हमेशा इसका प्राइस वैरी करते रहता है। तो मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो लेट्स अनबॉक्स दिस, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। इसके अंदर हम लोग को एक रूम फ्रेशनर मिलता है एंड इसके अंदर दो बैटरी भी मिलता है हम लोग को, जो आप इसके अंदर यूज़ होता है मैं अभी दिखाऊंगी आप लोग को, इसे ओपन करके कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ करता है सब कुछ बताऊंगी। और देख सकते हो आप लोग ऊपर से कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, बैक साइड से नीचे से और ऊपर में है और पीछे में हैंग करने के लिए भी दिया हुआ है, इसके अंदर आप ऊपर में हैंग भी कर सकते हो इसको, तो ऐसा दिखता है। तो चलिए मैं इसे ओपन करती हूँ और इसके अंदर दिखाती हूँ क्या क्या है। आप ऊपर वाला यहाँ पे बटन है इसको प्रेस कीजिएगा तो ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर एक स्प्रे का बॉटल होता है जो अगर ख़त्म हो जाए तो आप उसे बाय करके रिफ़िल कर सकते हैं, वो मिलता है फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे। यहाँ पे देख सकते हो बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसके अंदर ही आया था, मैंने अलग से नहीं ख़रीदा है। और यहाँ पे देख सकते हो बटन दिया हुआ है, अभी ये ऑफ है। यहाँ पे तीन टाइमिंग दिया हुआ है, 9 मिनट, 18 मिनट एंड 36 मिनट, ये टाइमिंग दिया हुआ है, आप इस पर सेट कर सकते हो और इतने टाइम के इंटरवल में ये हर 9 मिनट पे एक एक बार स्प्रे करेगा। अगर मैं 36 मिनट करती हूँ तो हर 36 मिनट में ये ऑटोमेटिक स्प्रे करेगा, अगर मैं 18 मिनट सेट करती हूँ तो हर 18 मिनट पे स्प्रे करेगा। ऊपर में यहाँ पे LED लाइट है, जब ये ऑन होता है तो ये लाइट ब्लिंक होते रहता है। और नीचे में ये मैंने बताया है कि ये आप इसे रिफ़िल कर सकते हो। अभी मेरे पास ये गोल्ड जैस्मिन फ्लेवर है, आप कोई भी फ्लेवर मंगवा के इसे यूज कर सकते हो, सबसे अच्छी चीज़ यही है। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिससे ये इसको भी प्रेस करके, वो तो ऑटोमेटिक होते ही रहेगा लेकिन इसको प्रेस करके भी आप लोग स्प्रे कर सकते हो, इसको जब भी प्रेस कीजिएगा तो हो जाएगा। अगर बैक साइड में अगर आप लोग देखोगे तो ये मेड इन इंडिया है और हैंग करने को भी दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको बताया ही। और नीचे के साइड में ओडोनिल का लोगो दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्प्रेयर है, आप उसको प्रेस करोगे तो स्प्रे होता है, तो जो काफ़ी अच्छा है, आप इसको जब चाहो प्रेस करके भी कर सकते हो या फिर नहीं करना है तो ऑटोमेटिक टाइम टाइम के हिसाब से अपना होते रहेगा, वो भी काफ़ी अच्छा है, तो ये मुझे बेस्ट लगा। सो गाइज, सबसे मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं, फ्रेग्रेंस टेस्ट। तो मैं बताती हूँ इसका फ्रेग्रेंस कैसा है। मेरे पास ये गोल्ड जैस्मिन फ्लेवर है एंड मैंने ये स्प्रे किया और लिटरली यार ये बहुत अच्छा है, लिटरली मैं बता नहीं सकती, इसका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है, इट्स सुपर रिफ्रेशिंग एंड चिल। और गाइज, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका फ्रेग्रेंस अगर एक बार स्प्रे करो तो कितना देर तक रहता है। मैं यहाँ कुछ देर से बैठी हूँ और इट्स लाइक कि अभी तक सेम फ्रेग्रेंस आ रहा है और काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कम हो गया लेकिन काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है, ये गजब का है यार, आप लोग इसे ज़रूर ले सकते हो। सो गाइज, इसका बहुत सारा डिफरेंट वेरिएंट आता है, इस ब्रांड में आप लोग को बहुत सारा टोन ऑफ फ्रेग्रेंस मिल जाएगा, आपको मतलब आपको जो भी फ्रेग्रेंस पसंद है सब इसमें मिलता है, फ्रॉम फ्लोरल टू फ्रूटी सब कुछ है। मैंने कुछ और भी ट्राई किए हैं, दे आर ऑसम।
अब आते हैं फ़ायदे और नुकसान पे। फ़ायदा ये है कि अमेजिंग फ्रेग्रेंस, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी इजी है यूज़ करना, इजीली अवेलेबल है, आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इवन मार्केट में भी आपको ये मिल जाएगा। और नुकसान ये है कि अगर आप इसे टेबल पे रखते हो तो इसका जो फ्रंट पे स्प्रे है तो मे बी वो आपके फेस पे भी आ सकता है, आपके आईज़ में भी लग सकता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो इसको आप कहीं हैंग करके ही रख सकते हो। अगर इसका स्प्रे वाला पॉइंट अगर ऊपर साइड दिया होता तो दिक्कत नहीं होता। ओवरऑल गाइज ये वर्थ इट है लेना, आप इसको बिल्कुल ले सकते हो। और आई एम टोटली लविंग दिस ओडोनिल रूम फ्रेशनर, यू गाइज शुड डेफिनेटली ट्राई इट। अगर आपका घर भी बोरिंग स्मेल वाला है तो इसको लगाओ एंड इन्जॉय द फ्रेशनेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे रिव्यू। इफ़ यू लाइक्ड इट, हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।